नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं और उनके खिलाफ मामला कोर्ट में चल रहा है। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस का विरोध प्रदर्शन होने वाला है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब बीजेपी नेताओं को दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बारे में पता चला तो उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया गया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और सपा समेत 10 दलों के नेता रैली में शामिल होंगे। आप नेता सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश का खुलासा किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। संसद सत्र चल रहा है और संसद सत्र के छठे दिन यानी कि 29 जुलाई को संसद में राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया कि देश में एक चक्रव्यूह जैसा जो है वो रचा जा रहा है और इस चक्रव्यूह में कई लोग शामिल हैं। संसद सत्र के छठे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। उन्होंने कहा कि देश चक्रव्यूह में फंसा है, अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। बजट के जरिए मिडिल क्लास की पीठ पर छुरा घोंपा गया है। बढ़ते आगे। शनिवार को राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक इंस्टीट्यूट में बेसमेंट जहां पर की लाइब्रेरी बनी हुई थी यहां पर पानी भर जाता है और इसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। इसका विरोध अब दिल्ली में किया जा रहा है। जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। लगातार छात्र ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं। छात्र दूर दूर से यहां पर कोचिंग के लिए आते हैं लेकिन इस तरह से लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं। आप जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। ये सब कब तक चलता रहेगा, क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बेसमेंट्स में ही ज्यादातर लाइब्रेरीज रन हो रही हैं, जो कि एक सच बात है भी। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो ये सेफ्टी मेजर्स हैं लाइब्रेरीज और ये बेसमेंट वाली चीजों को लेके, इन पे गौर किया जाए और जो अथॉरिटीज हैं जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, जो कि है हमारा आपका एमसीडी हो गया, जल बोर्ड हो गया एंड जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, उनका हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं दिखा। उनके अगेंस्ट कुछ भी FIR जो भी दर्ज कराया है उसके ऊपर हमें एक्शन आपका लेते हुए दिखे आप लोग, तो हम उस चीज के लिए बोल रहे हैं। हमारी डिमांड्स बहुत बेसिक है, कंपनसेशन। फैमिली जो है, जो लोग यहाँ पे भी हमें दिखे नहीं है एज सच फैमिलीज वगैरह, तो फैमिलीज का भी कंपनसेशन उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे थे, उन लोगों का भी उसमें कुछ वो नहीं है कंपनसेशन। और जो FIR हुई है जल्द से जल्द एक्शन, जो हमने कमेटी बनाई है, जो लोग बोल रहे हैं कि कमेटी बनी है, उसका एक्शन जल्द से जल्द आए, वो बेसिक डिमांड्स है। हमारी रूम रेंट वगैरह अपने पर्सनल चीजों को लेके एज सच इतनी डिमांड्स नहीं है जो कि हाईलाइट की जा रही हैं। देश में आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं और इन रेल हादसों की वजह से कई मासूम लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड में भी तड़के रेल हादसा हुआ और अब तक जो रेस्क्यू उसमें किया गया है उसमें 2 लोगों की मौत और इसके साथ ही कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 1281 मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के राज खरसवां बाड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच हुई है। घने जंगल, रात का सन्नाटा और अचानक ट्रेन में जोरदार झटका। झारखंड में हुए इस हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और इसके साथ ही 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। जो घटना है वो तड़के यानी कि 3:43 पर हुई। मालगाड़ी से टकरा गई हावड़ा और इसके बाद ये घटना देखने को मिली। बढ़ते आगे। बारिश का कहर लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, यात्री फंसे हैं पहाड़ी इलाकों में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम केरल की बात करें तो केरल के वायनाड में तड़के सुबह एक भूस्खलन हुआ और इसमें ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा वायनाड जिले के मेपड्डी इलाके में हुआ और
30 जुलाई तड़के कहा जा रहा है कि ये बारिश होने की वजह से हादसा हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि भूस्खलन की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। भूस्खलन की चपेट में आकर घायल हुए 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारी बारिश के दौरान रात करीब 1 बजे ये घटना हुई। ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।